lễ rồi đó. रंजीत सर, आप कहाँ से कहाँ ले आए थे? मैं अपने बॉर्डर से मैंने गाड़ी ली, राजपुरा टोल टैक्स। अच्छा, तो कहाँ लेके आ रहे थे इस गाड़ी को? बिहार टोल पे देता, समस्तीपुर टोल टैक्स। अच्छा रंजीत, ऐसा क्या करा तुमने जो शराब के ऊपर प्याज से टक रखा था? मेरे को नहीं पता जी, कहता प्याज है। किसके द्वारा ये टकराव को मिला था? राजपुरे का बंदा है जिसने मुझे भेजा था। अच्छा, जिसने तुम्हें भेजा था, तो आज पुलिस ने तुम्हें पकड़ लिया है, इसमें 600 पेटी बरामद हुए हैं, तो आपका कुछ कहना है इसमें? हैं, कुछ नहीं कहना है। मानते हैं कि हाँ सर आप सप्लाई कर रहे थे? मैं तो नहीं सप्लाई कर रहा, मुझे पता ही नहीं था, मैं तो घर से गया था। बोले ड्राइवर ने गाड़ी पे गाड़ी ली है। तो ये गाड़ी कहाँ छोड़ने जा रहे थे आप? समस्तीपुर टोल पे। उससे आगे कौन लेता? उससे वो ही खड़ी करके आया था, वहाँ से मैं वापस आया था, वहाँ से उनका ड्राइवर खुद ही लेके जाता। सर रात एक ट्रक पकड़ा आपने, क्या बरामद हुआ था? एक्चुअली मुखबिर खास की सूचना के आधार पर हमें मुरादाबाद प्रभाग के उप आबकारी आयुक्त सर ने मुझे निर्देशित किया कि कोई पंजाब से शराब से भरा हुआ ट्रक आ रहा है और यहाँ पे लगभग रात में पहुँचने वाला है, तो इस सूचना के आधार पर हम वहाँ गए। निरंतर हमने प्रयास किया और हम इस पर जो है अपना नज़र गड़ाए रखे और उसके बाद हमने इसको पकड़ लिया। सर कितना माल बरामद हुआ इसके अंदर? इसमें जो है 600 पेटी ब्लू मीट बिस्की बरामद हुई है और जो कि अरुणाचल प्रदेश में बिक्री है अनमन्य थी। अच्छा सर, ये कहाँ से कहाँ शराब ले जा रहे थे? ये पंजाब से लेके आ रहे थे और इसको प्रदेश या मतलब प्रदेश के बाहर भी ये लोग सप्लाई करते हैं। सर लगभग कितने का माल होगा ये? इसमें लगभग 60 लाख रुपए का जो है राजस्व निहित है।